नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं सेल या तो सेल रेंज का नेम डिफाइन करना। तो नेम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या उसका यूज है, तो ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता, कोई भी पर्टिकुलर सेल को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है। जैसे मैं यहाँ पे ई सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एम एन फोर, तो रो एंड कॉलम वो दोनों मिल के यहाँ पे नेम उसका होता है एम थ्री। बट अगर मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करता हूँ टेबल को तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाएगा, जो सबसे पहला फर्स्ट होगा रो एंड कॉलम उसका हम लोगों को एड्रेस यहाँ पे दिखाता है। बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिफाइन करूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिफाइन नेम, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम रखेंगे इसका नाम, मान लीजिए जैसे मार्कशीट है तो इसका हम रखेंगे मार्कशीट एंड देन करेंगे ओके। तो अभी ये वाला जो एरिया है ये हम लोगों का नेम डिफाइन हो गया इसका एज ए मार्कशीट। तो आप कहीं पर भी ये कोई भी शीट में है आप यहाँ पे टाइप करेंगे मार्कशीट एंटर करेंगे तो आप वही शीट में चले जाएंगे और उतना ही सेल सिलेक्ट हो जाएगा जितना का आपने नाम डिफाइन किया हुआ है। तो ये था आपका पहला तरीका कि कैसे किया जाए। अब दूसरा तरीका का मैं बात करूँ, जैसे अटेंडेंस है तो अटेंडेंस को मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप आपको राइट क्लिक करके भी डिफाइन नेम कर सकते हैं और आप यहाँ पे जो A1 लिखा है यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ अटेंडेंस का सिर्फ ANT कर दे रहा हूँ, ठीक है ओके। बस अभी मैं कहीं पर मान लीजिए मैं रिजल्ट वाली सीट में हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ AT एंटर करता हूँ तो मैं अटेंडेंस वाले सीट में ऑटोमेटिक चला जाऊँगा और जितना हमने डिफाइन किया था उतना सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका की बात करें, मान लीजिए फ़ोन नंबर की, तो इसको अगर करना है तीसरे तरीके से तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम चले जाएंगे फॉर्मूलास बार में, उसके बाद यहाँ पे आएगा डिफाइन नेम। इधर आप नेम मैनेजर में भी जा सकते हैं, नेम मैनेजर में वो नाम शो करेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था। जैसे हम लोगों ने अटेंडेंस का 8 करके रखा हुआ था तो उसका वैल्यू क्या है, रेफर टू कहाँ पे है वो शो करेगा, स्कोप दिखाएगा वर्कबुक में है या तो शीट 4 में शीट 3 में ऐसा करके। तो आप यहाँ से भी न्यू करके आप कर सकते हो, वही वाला पॉपअप खुल जाएगा जो डिफाइन नेम करने के बाद जो खुलता है। तो अभी मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ PH, फोन नंबर का शॉर्ट फॉर्म रख देता हूँ तो जल्दी होगा। अगर कुछ सेल गलती से सिलेक्ट हो गया या तो कुछ छूट गया सिलेक्ट करने, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको फिर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे करके ओके कर दीजिए, ये हो गया काम ऐड हो गया। बस इसको आप क्लोज कर दीजिए। कहीं पर भी आप है, मान लीजिए इसमें है, आप PH टाइप करेंगे ऑटोमेटिक फ़ोन वाले फ़ोन नंबर वाले सीट पे आप चले जाएंगे। ये था हम लोगों का डिफाइन नेम। तो अभी इसको डिलीट कैसे किया जाए, तो अगर आपको डिलीट करना है तो मॉडिफाई करना है तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे फॉर्मूलाज में देन नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर जैसे मैंने आपको बताया था जितना हम लोगों ने नेम डिफाइन किया होगा सब के सब नेम जो है वो नेम मैनेजर में ऑलरेडी लिस्टेड होता है। अगर मान लीजिए कुछ आपका सेल गलती से या तो अगर कुछ आपको ऐड करना है, जैसे अटेंडेंस वाला शीट था इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अटेंडेंस वाला शीट था हम लोगों ने 13 तारीख तक सिलेक्ट किया होता, मान लीजिए 14th और 15th वाला भी अगर अटेंडेंस आ जाता है और हमको वो भी सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हमको पता है अटेंडेंस वाला है तो अटेंडेंस में डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अटेंडेंस वाला ये जो है यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, ओके कर देंगे, ये हो गया हम लोगों का मॉडिफाई। कहीं पर भी जाएंगे ET सिलेक्ट करेंगे तो हम लोगों का 14th अगस्त एंड 15th अगस्त ये वाला ऑलरेडी सेल सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर हमको इसको डिलीट करना है तो नेम मैनेजर में जाके सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर सिलेक्ट वन करके डिलीट, फिर एक पॉपअप होएगा कंफर्मेशन के लिए कि कन्फर्म आप डिलीट करना चाहते हैं नेम PH को तो ओके। सेम आप इसके साथ भी कर सकते हैं, मल्टी सिलेक्ट करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ख़त्म। अगर मैं यहाँ पर अभी मैं सिलेक्ट करूँगा मान लीजिए AT तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा और ऊपर से उल्टा का, जैसे ये हम लोगों का पहला स्टेप था कि कैसे नेम डिफाइन करते, तो ये सेल H7 उसका नाम ऑलरेडी ये 8 डिफाइन हो गया है, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।